हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हैकिंग क्या होती है और हैकिंग के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये चीज़ नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे कि जब भी कोई वीडियो चैनल पर अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस चैनल सब्सक्राइब किया है तो आगे भी आपको हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हैकिंग क्या होती है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है, अगर इसे एक आसान भाषा में कहा जाए तो हैकिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि जिस डिवाइस को अगर एक्सेस ना किया जाए उसे एक्सेस करना, उसे हैकिंग कहते हैं। तो दोस्तों, यही चीज़ हैकिंग होती है। और हैकिंग सिर्फ किसी कंप्यूटर या किसी डिवाइस में जो है कि डेटा चुराने के लिए किया जाता है, कंप्यूटर या डिवाइस में अगर नेटवर्क वहाँ पर कनेक्ट होगा यानी इंटरनेट कनेक्शन उसमें होगा तभी वहाँ पर हैक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसका परिणाम क्या होता है। दोस्तों, इसका परिणाम कई बार साइबर क्राइम भी हो जाता है। दोस्तों, साइबर क्राइम से कई बार बड़ी बड़ी संस्थाओं को यहाँ पर अरबों का नुकसान भी हो गया है। तो दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ हैकिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, हैकिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जितने प्रकार की यानी कि हैकिंग कह लीजिए कि बहुत सारे अलग अलग तरीके से वहाँ पर डिवाइस को हैक किया जाता है और अलग अलग वहां पर बहुत सारे तरीके भी हैं। तो दोस्तों, मैं आपको मुख्य रूप से 7 तरीके हैं यानी कि 7 आधार हैं जो हैकिंग के प्रकार हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस 7 तरीके के बारे में बता देता हूं कौन कौन से 7 प्रकार हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कौन सा प्रकार है। पहला है जो है कि वेबसाइट हैकिंग। दोस्तों, वेबसाइट हैकिंग क्या है? वेबसाइट हैकिंग किसी वेबसाइट को हैक करना है यानी कि उसे हैक करके अपने कंट्रोल में कर लेना और वहां पर जो भी वेबसाइट में होता है उसे अपने कंट्रोल में करके वहां पर एडिट करना या फिर कुछ देखना और वहां पर काफी ज्यादा उस वेबसाइट को नुकसान पहुंचाना, उसे वेबसाइट हैकिंग कहते हैं। दोस्तों, हैकिंग का दूसरा प्रकार है नेटवर्क हैकिंग। दोस्तों, नेटवर्क हैकिंग से हमें काफी ज्यादा नुकसान होता है। यहां पर बड़े बड़े हैकर क्या करते हैं, NS और UP और यहाँ पर एक टूल और है जिसका नाम है पिंक टूल। दोस्तों, ये सारे टूल को यूज करके नेटवर्क को हैक कर लेते हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी यहाँ पर फैक्ट्रियों को यानी कि बड़ी बड़ी संस्थाओं को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। और दोस्तों, तीसरी वहाँ पर क्या हैकिंग क्या है, तीसरी हैकिंग है एथिकल हैकिंग। दोस्तों, इस हैकिंग से क्या होता है? दोस्तों, इथिकल हैकिंग क्या होती है? दोस्तों, इथिकल हैकिंग मैं आपको बता देता हूँ, यह यहाँ पर लीगल काम के लिए किया जाता है यानी कि जो संस्थाएँ यहाँ पर खुद कहते हैं कि हैक करने के लिए, दोस्तों हैक वो करते हैं यहाँ पर जो बड़े बड़े यहाँ पर सर्वर हैं वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करती है ये हैकिंग। तो दोस्तों, ये एथिकल हैकिंग काफ़ी ज़्यादा काम होती है। दोस्तों, ये हैकिंग हम लोगों की सुरक्षा करती है जिससे कि अगर कोई बड़ा हैकर हैक करता है तो ये हैकिंग जो दोस्तों इस हैकिंग से हम पता कर सकते हैं कौन हमें हैक कर रहा है। दोस्तों, चौथी हैकिंग है ईमेल हैकिंग। दोस्तों, इसमें क्या होता है, ईमेल हैकिंग में किसी भी ईमेल को हैक करना और उसमें दुरुपयोग करना, उसे ईमेल हैकिंग कहते हैं। दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत सारा झंझट होता है ईमेल हैकिंग में। तो दोस्तों, ईमेल हैकिंग में किसी ईमेल को हैक करके उसमें दुरुपयोग करना ईमेल हैकिंग कहलाती है। तो दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ आपको जो वहाँ पर पांचवी हैकिंग क्या है। पांचवी हैकिंग है पासवर्ड हैकिंग। दोस्तों, पासवर्ड हैकिंग क्या होती है, किसी कंप्यूटर को एक्सेस करके वहाँ पर जो है कि वहाँ पर जो पासवर्ड लगा होता है पासवर्ड को अपने एक्सेस कर लेना और उसमें पासवर्ड लगाई गई जगह को वहाँ पर एक्सेस कर वहाँ पर दुरुपयोग करना यानी कि वहाँ पर कुछ और चीज़ बनाना, पासवर्ड क्रिएट करना, ये सारी चीज़ पासवर्ड हैकिंग कहलाती है। दोस्तों, मैं आपको अब छठवीं हैकिंग के बारे में बता देता हूँ। छठवीं हैकिंग होती है ऑनलाइन बैंकिंग हैकिंग। दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग हैकिंग क्या होती है? दोस्तों, इसमें क्या होता है कि किसी सर्वर को यानी बैंक के सर्वर को हैक कर यहाँ पर बैंक से पैसे निकालना या फिर बैंक को यूज करना बैंकिंग हैकिंग कहलाता है। और दोस्तों, इसमें बैंकिंग हैकिंग में बहुत सारे बैंकों से काफ़ी ज़्यादा पैसे निकल जाते हैं और यहाँ पर बैंक के जो लोग कर्मचारी है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं इस बैंकिंग हैकिंग से। दोस्तों, अब हम लास्ट वाली हैकिंग को बता देते हैं यानी कि सातवीं हैकिंग को बता देते हैं। सातवीं हैकिंग कौन सी होती है? दोस्तों, ये हैकिंग आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि दोस्तों आप लोग कंप्यूटर जरूर यूज करते होते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर हैकिंग क्या होती है? दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि कंप्यूटर हैकिंग वो हैकिंग होती है कि जो वहां पर हैकर होता है कि वहां पर कंप्यूटर को हैक कर लेता है, उसे एक्सेस करने लगता है, उसमें जो
वीडियोज होते हैं, फोटोज होते हैं और बहुत सारे उसमें डेटा होता है, सारा कुछ हैक करके उसे अपने यूज करने लगता है और उसका दुरुपयोग करने लगता है दोस्तों। ये कंप्यूटर हैकिंग होती है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा होगा कि हैकिंग क्या होती है और हैकिंग के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों वैसे तो हैकिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन सात मुख्य, यही जो सात हमने बताया, यही मुख्य यहाँ पर जो है कि हैकिंग के प्रकार हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे कि जब भी कोई वीडियो चैनल पर अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आगे भी मैं आपको हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करेंगे, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।